Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video. और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं COVID-19 के बारे में, बात करने वाले हैं किस तरीके से COVID-19 की वजह से WWE का बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रेटिंग्स WWE की डाउन हो रही है उसकी वजह से WWE को कितना नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वही चीजें हम बात करने वाले हैं। COVID-19 की वजह से आपको पता है WWE में बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। रोमन रेंज के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल है लोगों के माइंड में कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या चीजें हैं उनके बारे में, तो वही सब हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। बहुत सारे आपके सवाल आए हैं इंस्टाग्राम पर सेम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो सब भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहना पूरे एंड तक। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो WWE की हर एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो कि है बिजनेस की, WWE को क्या बिजनेस में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किस हद तक नुकसान हो रहा है, किस हद तक फायदा हो रहा है। तो यार देखो मैं यहाँ पर चीजें क्लियर कर देता हूँ कि फायदा और नुकसान में यहाँ पर बहुत ही बड़ा फर्क होता है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि लोगों को ये लग रहा है कि WWE को नुकसान हो रहा है पेंडेमिक में शोज कराने का, तो ऐसा नहीं है गाइस। WWE को नुकसान नहीं हो रहा है, हाँ उनको फायदा कम हो रहा है। पहले उनको जो कमाई मिलती थी शोज में, ऑब्वियसली आपको पता है कि WWE की लाइव इवेंट्स भी इतने सारे होते हैं, वीकली आपको पता है कि लाइव इवेंट्स WWE कराती है, तो वहां पर उनको काफी अच्छी खासी पैसे कमाने का मौका मिलता है। देन ऑफ कोर्स उनके अलावा भी छोटी मोटी इवेंट्स वगैरह होती रहती है, प्रमोशन इवेंट्स के लिए वो जाते रहते हैं, तो वो सब नहीं हो रहा है। इसके अलावा टिकट्स वगैरह का उन्हें प्राइस नहीं मिल रहा, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें मर्चेंडाइज की अगर मैं बात करूं तो वो उस हिसाब से नहीं बिकेगी ऐसे समय में जो वैसे नॉर्मल समय में बिकती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हो रही है अब पेंडेमिक की वजह से, तो वहां पर WWE को जो है थोड़ा बहुत जो है उस हद तक रिवेन्यू नहीं आ रहा है जो कि पहले आता था, या कहीं ऐसा भी है जहां पर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिकट्स वगैरह में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि WWE को नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, हाँ उनको अभी भी फायदा हो रहा है बट फायदा उनको कम हो रहा है। अब काफी लोगों को लगता है कि यार WWE को ना नुकसान हो रहा है बहुत ही ज्यादा पेंडेमिक चीज की वजह से, यार ये नुकसान नहीं हो रहा है। अब नुकसान उसे बोलते हैं कि अगर आपने किसी चीज में 10 रुपए लगाए हैं और उससे आपका रिवेन्यू 10 रुपए से भी कम हो रहा है उसे नुकसान बोला जाएगा, बट अगर आप किसी चीज से 20 रुपए का रिवेन्यू कमा रहे हो और ऐसी सिचुएशन में आपका रिवेन्यू जो है वो 20 से सीधा घटकर 17 या 16 रुपए हो जाता है, तो उसे घाटा नहीं बोला जाएगा, उसे लॉस नहीं बोला जाएगा, हाँ उसे ये बोला जाएगा कि आप पहले से कम कमाई कर रहे हो या पहले से कम आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, WWE को फायदा बिल्कुल हो रहा है बट पहले के मुकाबले ऑब्वियसली कम होगा, बट यहाँ पर अगर वो शोज नहीं कराएंगे तो उनको इससे भी ज्यादा डबल नुकसान होगा। एटलीस्ट उन्होंने अपनी ऑडियंस को होल्ड करके रखा हुआ है, उनकी ऑडियंस को पता है कि हाँ रॉ स्मैकडाउन आनी है तो हमें वो देखनी है, जैसे कि जो बड़े फैंस होते हैं फॉर एग्जांपल आप और मैं, आप ले सकते हो कि हमें रॉ स्मैकडाउन देखनी है क्योंकि हमें पता है कि रॉ स्मैकडाउन आ रही है। बट अगर शोज अगर वो नहीं कराएंगे बिल्कुल भी तो क्या होगा कि बहुत मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो कि WWE से जिनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है यार हर कोई आप और मेरी तरह WWE को नहीं फॉलो करता पूरी तरीके से, कुछ ऐसे फैंस भी होते हैं जो सिर्फ होता है कि चाय नाश्ते में रॉ देख ली, स्मैकडाउन देख ली, हो सकता है कोई डिनर में देखते हैं, डिनर करते हुए देखते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है पूरे दिन जॉब करके शाम को आकर वो रॉ या स्मैकडाउन के शोज देखते हैं, उनके साथ क्या होता है वो इतना फॉलो नहीं करते हैं WWE, जस्ट उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है तो इसलिए रॉ स्मैकडाउन देख लेते हैं। अब अगर रॉ स्मैकडाउन के शोज नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कुछ और शोज देखेंगे, कुछ और देखेंगे। अब हो सकता है कि जब एक साल बाद या कितने भी समय बाद जब चीजें सही होगी और तब WWE अपने शोज कराएगी, तो बहुत सारी ऐसी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है जिनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और जिनका इंटरेस्ट दूसरी चीज में आ जाएगा। अब ऑब्वियसली जो चीज वो इतने समय से देख रहे होंगे उसको वो एकदम से नहीं छोड़ेंगे, अगर उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी ऑडियंस होगी ऑब्वियसली होगी जो कि उस नई चीज को देखने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा रेदर देन वॉचिंग WWE शोज। तो ऐसे WWE अपनी बहुत ही मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को खो सकती है जिसका उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। यहाँ पर वो एटलीस्ट उनको कम फायदा आ रहा है बट एटलीस्ट उनको फायदा हो रहा है, उन्होंने अपनी ऑडियंस को होल्ड करके रखा है, बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको बताया कि आजकल ऐसा टाइम है कि बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशंस आते हैं, बहुत सारी ऐसी इंटरनेट पर चीजें आती है, वेब सीरीज आती है, मूवीज आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ऑडियंस के लिए मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो देख सकती है, मतलब देखने में आपको कमी नहीं है, इतनी सारी चीजें आपको इंटरनेट पर और टीवी पर देखने को मिल जाएगी। और यार ये मतलब होता है, मतलब ये आप फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर भी ये
चीज देख सकते हो, आपको किसी गेम को खेलने की बहुत ज्यादा एडिक्शन हो, आप किसी गेम को रोज खेलते हो, बहुत ज्यादा बार खेलते हो, और कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपको उस गेम को खेलने का मौका ना मिले, मतलब 4-5 दिन तक आप उस गेम को ना खेल पाओ, उसके बाद जब 4-5 दिन के बाद आपको वो गेम खेलने का मौका मिलेगा तो ऐसा होता है बहुत सी बार कि आपको उस गेम को खेलने का मन नहीं करता, मतलब आपका वो मन जो है वो हट जाता है उस गेम से और फिर वो आदत आपकी नहीं रहती है। तो ऐसा बहुत बार होता है और सेम यहाँ पर भी ये चीज हो सकती है, और इसलिए WWE को ये चीज बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उनको शोज यहाँ पर डिलीवर करने हैं। और रही बात, यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता है कि अब शायद WWE ऑफ सीजन ले सकती है बिकॉज बहुत सारे COVID-19 के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो यार गाइज, विंस मैकमहोन अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो पूरी आखिरी दम तक के शोज को चलाएं। हाँ, अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई, मतलब हर दूसरा बंदा पॉजिटिव आ गया या बहुत बुरी हालत हो गई, तब जाके चीजें जो है वो रुक सकती है, और अदरवाइज ये चीज नहीं रुकने वाली है। या फिर एक और रीजन भी हो सकता है कि जितने भी सुपरस्टार्स हैं या जितने भी क्रू के मेंबर हैं, बैक स्टेज के जितने भी WWE के एम्प्लॉयज हैं, अगर वो सब जो है वो मिलकर ये चीज बोले कि उन्हें शोज नहीं करने हैं कंटिन्यू और उनको ब्रेक चाहिए यहाँ पे, तब ये चीज हो सकती है, बट इस चीज के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि शोज WWE रोकने वाली है, ये आप बात मतलब बिल्कुल आप इस चीज को जो है वो मान लो कि विंस मैकमहोन इस शो को नहीं बंद करने वाले हैं, वो ऑफ सीजन नहीं लेने वाले अंटिल बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाए, मतलब कि सीधे शब्द में अगर मैं बताऊं तो आखिरी दम तक वो ट्राई करेंगे कि ये शो जो है वो रन करते रहे। और उसका मैंने आपको नुकसान बता दिया कि क्या नुकसान होगा अगर वो ऑफ सीजन लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है रेटिंग्स की। अब यार रेटिंग्स की आपको पता है क्या हालत है इस वक्त, दोनों ही शोज में चाहे वो रॉ हो स्मैकडाउन हो, बहुत ही कम रेटिंग आ रही है WWE की, और बहुत से लोगों को लग रहा है कि रेटिंग की वजह से नुकसान हो रहा है WWE को। और आप में से बहुत से लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा भी था इंस्टाग्राम पर कि यार रेटिंग्स बहुत ज्यादा लो आ रही है, क्या इसकी वजह से WWE को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो यार रेटिंग्स की वजह से WWE को लॉस नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार जो नेटवर्क के साथ WWE की डील साइन होती है वो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लाइक फॉर एग्जांपल वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन टाइम के बीच में WWE को अपने शोज देने होते हैं। अगर वो अपने शोज दे रहे हैं उसके बाद अब उस शो को देखने के लिए कितने व्यूवर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे WWE के पैसों का कोई लेना देना नहीं है, उनको उतने ही पैसे मिलेंगे चाहे शो को 10 लोग देखने आए, और अगर चाहे शो को 10,000 लोग देखने भी आएंगे तब भी उनको उतने ही पैसे मिलने वाले हैं। बट हाँ, चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर शो की रेटिंग बहुत कम आ रही है तो शो के जो नेटवर्क के जो लोग होते हैं वो WWE को आकर बोल सकते हैं कि तुम्हारी रेटिंग्स बहुत कम आ रही है और तुम रेटिंग अपनी सही करो। पर अगर ऐसा होता तो आपको बताया कि विंस अपने शो अच्छे कर चुके होते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपको शोज जो है वो अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, कभी अच्छे शो होते हैं कभी बेकार शो होते हैं। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क की तरफ से WWE को ऐसा कुछ अभी तक नहीं बोला गया है या नहीं बोला जा रहा है। और यार वो क्यों बोलेंगे, मतलब इस वक्त उनको भी पता है कि इस वक्त पेंडेमिक वाली सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे शोज या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है जो कि हो ही नहीं रहे हैं, एटलीस्ट WWE इनको शोज तो दे रही है, बहुत सारे ऐसे शोज नेटवर्क पे आते होंगे, फॉक्स नेटवर्क पे या USA नेटवर्क पे, जो कि हो ही नहीं रहे हैं, एटलीस्ट WWE के शोज तो आ रहे हैं, कुछ तो व्यूवर्स हैं जो कि उनके शोज को जाकर देख रहे हैं, उनके नेटवर्क को जाकर देख रहे हैं, तो कुछ तो फायदा उनको भी हो रहा है यहाँ पर। और कुछ हद तक यार इस चीज में रिलेशनशिप भी मैटर करती है कि किस हद तक विंस की रिलेशन है नेटवर्क वालों के साथ, वो भी काफी मैटर करती है, हालांकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बट ये काफी हद तक एक बड़ा रोल प्ले करता है इन पूरी चीजों में। अब WWE को भी पता है कि यार फॉक्स अच्छे खासे उन्हें पैसे देती है, बट फॉक्स को भी पता है कि यार WWE क्या चीज है। अब अगर वो WWE को अच्छी खासी डील दे रही है या USA नेटवर्क उनको अच्छी खासी डील दे रही है तो उनको पता है कि यार ये WWE एक बड़ी कंपनी है, वो उनको फायदा उतना हो रहा है तभी तो वो उनकी अच्छी खासी डील दे रही है। अब इतना ही पैसा वो AEW को तो नहीं दे सकती ना जाके, ऑब्वियसली बात है जितनी रेटिंग्स AEW के पूरे शो की आती है उतनी रेटिंग सिर्फ NXT के शो की आ जाती है WWE की। तो उनको पता है कि यार WWE को तो कोई और नेटवर्क मिल जाएगा, अगर उनके साथ वो डील एंड कर देते हैं तो WWE को दूसरा नेटवर्क मिल जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो आप कि उतना पैसा ना मिले या मिल जाए, ज्यादा मिल जाए या कम मिले, वो एक अलग चीज है, बट उनको मिल जाएगा दूसरा नेटवर्क जो कि उनके शोज करवा सकता है। बट अगर ये डील एंड हो जाती है तो फॉक्स या USA नेटवर्क को दूसरी WWE तो नहीं मिलने वाली ना, तो ये भी एक चीज आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्ले करता है जो कि रोल। अगर ये नॉर्मल शोज हो रहे होते, पेंडेमिक वाली चीज नहीं होती, तो यहाँ पर नेटवर्क जो है वो WWE को पुश करते अच्छी शोज करवाने के लिए, बट यहाँ पर चीजें जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर जो कि रोमन रेंस के ऊपर। अब यार रोमन रेंस के लिए बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीजें आती है कि यार रोमन रेंस शायद डर चुके हैं, रोमन रेंस इसलिए नहीं आ रहे हैं उसलिए नहीं आ रहे हैं वापस। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, यहाँ पर दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यार रोमन रेंस का आपको पता है कि ल्यूकेमिया जैसी बड़ी डिजीज से वो ऑलरेडी फाइट करके आए हैं, उनको पता है कि यार एक बड़ी डिजीज एक
जानलेवा डिजीज क्या कर सकती है और क्या इम्पैक्ट को डाल सकती है उनकी पर्सनल लाइफ में और उनकी फैमिली में ऑब्वियसली, तो उनको ऑलरेडी ये चीज पता है और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है ऑब्वियसली, और बाकी जो कि नॉर्मल रेसलर्स हैं उनसे उनका इम्यून सिस्टम वीक है। और आपको बताया कि ये COVID-19 ऐसी चीज है, कोरोना वायरस ही ऐसी चीज है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसके लिए ये चीज जो है वो ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। अब यार ऑब्वियसली जब उनको ये चीज ऑलरेडी पता है और अगर वो उसके बाद भी अगर शोज पर आते हैं तो ये तो वही बात हो जाएगी कि आप एल मुझे मार। और रहा सवाल उनके इन रिंग रिटर्न का, तो यार उनके रिटर्न को आप अभी एक्सपेक्ट मत ही करो। यही मैं आपको चीज बोलूंगा कि उनका रिटर्न तभी होगा जब ये चीज, ये पेंडेमिक वाली चीजें सही होगी, तभी वो आपको वापस आते हुए नजर आएंगे रिंग के अंदर। चाहे वो कोई सा भी पेपर व्यू हो, समर स्लैम हो या कोई सा भी पेपर व्यू हो, वो वापस आपको नहीं आते हुए दिखेंगे जब तक कि ये चीज नॉर्मल नहीं हो जाती है। तो यार इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो स्पेशली, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द